आखिरी गेंद पर सिंगल यानी कि स्ट्राइक रखेंगे अपने पास, ओवर समा। अपने पेस और अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं ये गेंदबाज, लेकिन क्या आज विकेट चटका सकते हैं? फील्डर और गेंदबाज का अच्छा तालमेल, बढ़िया थ्रो। इसे कहते हैं संभल कर खेलना। इन दो रन्स के साथ संभाल रहे हैं अपनी टीम को। वैक, कमाल का शॉट और क्या थी खूबसूरत ये टाइमिंग। अब ज्यादा नहीं होगी सिंगल से बातचीत, छह जड़ दिया बल्लेबाज ने। तीखी गेंद, तेज गेंद, बढ़िया बाउंसर। बल्लेबाज को थोड़ा क्रैम्प किया। एक और डॉट बॉल गेंदबाज की। दर्शकों को किया फील्डर में तब्दील। इस शॉट ने लूटी वाहवाही। क्या कमाल का शॉट है ये। मैश्ड, खूबसूरत टाइमिंग, जबरदस्त शॉट, दो छक्के लगातार, दुगना मजा। बल्लेबाज सुपर कूल, ये शॉट पैसा वसूल। छह रन, छह गेंदों का ओवर, छठी गेंद, छह रन, ओवर फिनिश। बल्लेबाज बहुत खुश होंगे इस ओवर से। साझेदारी पनप रही है, इस साझेदारी को बड़ी साझेदारी में करना होगा तब्दील। नेल बाइटिंग मुकाबला अंत के बिल्कुल करीब, आखिरी ओवर, निर्णायक ओवर। भाग्यशाली की दुर्घटना नहीं घटी, बेटर सेफ देन सॉरी। बल्लेबाज जोखिम उठाएगा नहीं, डॉट बॉल। सही समझ बूझ के साथ पकड़ा इस कैच को। अंतिम ओवर में बल्लेबाज का महत्वपूर्ण सफलता। तोहफे में दे गए अपनी विकेट। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज हूं। अब इन्हें सिर्फ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है। अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है। ये आउट करार दिया है अंपायर ने। लगता है कि अब रिव्यू की तरफ जाएंगे। और अब ये चुनौती दे रहे हैं अंपायर के डिसीजन को। और अंपायर ने निर्णय बदल दिया है, यानी कि बैट्समैन सर्वाइव्स। सटीक लाइन, सटीक लेंथ, कठिन सवाल, बल्लेबाज के पास नहीं था जवाब। छह नहीं, आठ नहीं, दस रन दीजिए इस शॉट को। इतनी दूर गई है पारी की समाप्ति पर आया ये खूबसूरत शॉट। शॉकिंग इंपैक्ट, रॉकिंग आउटकम, छह रन मिलेंगे यहां पर। चाबुक, कॉपी बुक,
छह रन। खेल अपने अंतिम पड़ाव पर, खूबसूरत ये शॉट, छह और छह, एक दर्जन रन दो गेंदों में। इस खिलाड़ी का अंदाज निराला, शॉट बहुत ही आला, इसे कहते हैं इन्हीं का वर्जन हेलीकॉप्टर शॉट का। या तो आपको जीत मिलती है या आपको सीख मिलती है। जीतने वाली टीम को बधाई जरूर है, लेकिन हारने वाली टीम यहां से बहुमूल्य सीख लेगी और आगे की तरफ चलेगी। लड़ाई तो बहुत की, लेकिन मैच को जीत ना सके। लड़ाई की तारीफ जरूर, लेकिन रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं।